चले जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं भीषम साहनी और स्वागत है आपको एक नई सी वीडियो में। फाइनली हम लोग चौरासन सीढ़ी आ चुके हैं और पिछला वीडियो में आप लोगों ने पहाड़ का चढ़ाई देखा था। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं चौरासन सीढ़ी, चलिए अब यहाँ से वहाँ पे जाएंगे कुछ देर के बाद। यह एक विश्राम गृह है जहाँ पे बारिश वारिश होता है तो लोग इसी में आराम करते हैं। थोड़ा बड़ा है ये, बड़ा हॉल जैसा है, इसमें लोग रुकते हैं। और चलिए जहाँ पे लोग स्नान करके जाते हैं उसको दिखा रहा हूँ आप लोग को। और यही वो कुआँ है जहाँ से लोग स्नान करके बाबा भोलेनाथ के दरबार में पूजा करने के लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग भी स्नान करके जाएंगे पूजा करने के लिए। और स्नान करने के बाद अभी हमारा यहीं से सफ़र शुरू हो रहा है और अभी हम लोग जाएंगे सीधा मंदिर में। यहाँ से कुछ दूर के बाद बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, चौरासन सीढ़ी है, तभी हम लोग वहीं पर जाएंगे। प्रसाद उरसाद ले लिए हैं और यहाँ पे मेरे आसपास देखिए प्रसाद का दुकान लगा हुआ है और आज थोड़ा भीड़ कम है। कल बहुत ज़्यादा भीड़ था तो हम लोग कल वीडियो शूट नहीं किए थे, तो हम लोग एक दिन बाद वीडियो शूट कर रहे हैं रक्षा बंधन के एक दिन बाद। और अभी देखिए हमारे सामने अभी एकदम सुबह सुबह का टाइम है तो श्रद्धालु भक्त अभी कम है। चलिए आप लोग को लेके चलता हूँ ही मंदिर पे। और यही पास में है माँ दुर्गा का मंदिर, तो वहीं पे आप लोग को लेके चल रहा हूँ। पहले यहाँ से चलते हैं, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद निकलेंगे थोड़ा सा सीढ़ी के लिए। सामने देख रहे हैं दुर्गा माँ का मंदिर, तो अभी यहीं पे हम लोग पूजा करेंगे और उसके बाद निकलेंगे चौरासन सीढ़ी के लिए। देखिए ये बहुत प्राचीन मंदिर है, अनादि काल से ये बना हुआ है। यहाँ से बस थोड़ा बगल में ही है चौरासन सीढ़ी, तो चलिए चौरासन सीढ़ी फाइनली चलते हैं। और यहाँ पे आप टैटू तो छपवा सकते हैं, जैसे टैटू देखिए भाई साहब यहाँ पे छाप रहे हैं। ऊपर चलते हैं चौरासन सीढ़ी में, हमारा यहाँ से सफर शुरू होता है। तो फाइनली हम लोग भोलेनाथ के मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए बना हुआ है और यहीं पे सामने देखिए भोलेनाथ के मंदिर के जस्ट सामने
बसहा बाबा, बसहा बाबा यहीं पे हैं भोलेनाथ के मंदिर के सामने। और चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और यही है रुस्तासगढ़ किला, ये देखिए द्वारपाल। मंदिर के अंदर थोड़ा सा भीड़ है, तो आप देखिए लाइव दर्शन कीजिए बाबा भोलेनाथ का, जो 84 सीढ़ी के ऊपर अभी हम लोग चढ़ के आए हैं। पूजा पाठ हो रहा है, चलिए अब हम बाहर निकलते हैं। और इधर चलिए ग्राउंड मंदिर को आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन से तराशा गया है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। एकदम पहाड़ी के किनारे में है ये मंदिर, देख सकते हैं आप। उदय सिंह उचैला के निवासी बाबा के दरबार में 21 रुपये। देखिए भैया जो है भीषण सानी जी का रहने वाले भैया, दान से दे, देखिए दान देने ना भूले आपको। चलिए पूजा पाठ करने के बाद हम लोग भी नाश्ता पानी करते हैं और इधर से निकलते हैं।